मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुए भाजपा नेताओं को अधिकारियों के कार्य करने का तरीका रास नहीं आ रहा है। शिवराज के मुख्यमंत्री रहते हुए जो अधिकारी आगे पीछे रहकर सीएम के हर आदेश को सिर आंखों पर रखते थे, अब उन्हीं अधिकारियों को धमकाना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई कस्बे में बुधवार को चुनावी सभा लेने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जहां पूर्व सीएम शिवराज ने मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ए पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे तब तेरा क्या होगा। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे तब तेरा क्या होगा। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के चौराई कस्बे में बुधवार को चुनावी सभा लेने पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह के हेलीकॉप्टर को कलेक्टर द्वारा जल्द रवाना कराने से शिवराज नाराज हो गए। शिवराज चौहान को नत्थन शाह के प्रचार के लिए गुड़मंडी से उमरेठ जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी ओछी राजनीति मैंने पहले कभी नहीं देखी, हम भी सरकार में रहे हैं लेकिन इस तरह की राजनीति कभी नहीं की, जब हमारा वक्त आएगा तब देखेंगे। गुड़मंडी से हेलीकॉप्टर से ही उमरेठ जाना था, उमरेठ मुझे पहुंचना था 5:30 बजे, हेलीकॉप्टर से उतरना था, फरमान आ गया कलेक्टर का 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता, 5 बजे के बाद अगर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं। अब मुझे गुड़मंडी में जनता से बात करना है, बिना बात किए जाऊंगा नहीं। अरे जनता के दर पे आए हैं तो कुछ कह के जाएंगे, बात करके जाएंगे, और कमलनाथ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दोगे तो हम कार से जाएंगे, कार भी नहीं उतरने दी तो पैदल जाएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा तो जाएंगे भाई, छोड़ के नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ए पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे, ए पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे तब तेरा क्या होगा। 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे भाई, हमने तो किसी का हेलीकॉप्टर उतरने से रोका नहीं है, शिवराज तो डर काहे का है, ये तो बता दो छिंदवाड़ा नहीं पहुंच जाए, ज्यादा भाषण नहीं दे दे, बीच में ही भगा दो, लेकिन सुन लो कमलनाथ, इस माटी का बेटा हूं मैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, अन्याय सहन नहीं करूंगा। ये कुछ दुख होती है, एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं उतरने दे रही थी, ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा या गए। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच की लड़ाई में अब प्रशासन भी आ गया है। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव प्रचार में आगे आगे और क्या रंग देखने को मिलते हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यश खरे की खास रिपोर्ट।